हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये होगा अभी 9:15 बजे का टाइम होगा, मतलब आरव को छोड़ के आ गई हूँ मैं स्कूल से। आरव को, आरव के पापा को और हन्नू को मैंने भेजा है ब्रश वगैरह करने के लिए। तो मैंने कहा चलो तब तक मैं बेडशीट वगैरह सेट कर देती हूँ बिस्तर ना, जब तक हन्नू ब्रश वगैरह करता, क्योंकि उसके बाद फिर उसे तैयार करना होता है, नाश्ता कराना होता है। तो यहाँ पर मैं, मतलब मैंने बिस्तर बेडशीट आज चेंज कर दी। सोचा तो था ठंडी बिछाऊंगी, फिर मैंने कहा चलो ये लास्ट बार बिछा देती हूँ, इसके बाद बिछाऊंगी तो कॉटन की बिछाऊंगी। तो बस यहाँ पे मेरा बेड सेट हो गया है और ऐसे ही काम निपटाने पड़ते, नहीं तो 10 बजे हन्नू जाता है, 10 बजे तक मैं ऐसे ही बैठे नहीं रह सकती। तो इस वजह से तो बस बेडशीट वगैरह बिछ गई है और फिर हन्नू आ जाएगा तो हन्नू को इसके बाद तैयार करूँगी। और तो नाश्ते में आज मैंने कल रात को बनाई थी आलू मटर और सुबह बनाई थी बंद गोभी। तो मतलब दोनों बच्चे चेंज है, हन्नू को बंद गोभी पसंद है, आरव को आलू मटर। तो उसको आलू मटर चाहिए थी और हन्नू को बंद गोभी चाहिए थी। तो मुझे बंद गोभी सुबह बना, आलू मटर थी काफ़ी वैसे सब्ज़ी, बट ये कि बनानी तो पड़ती है तो बनानी पड़ती बनाई। फिर यहाँ पे हन्नू ब्रश वगैरह करके नाश्ता कर दिया था उसने, तो उसके बाद आई हूँ मैं उसे तैयार करने के लिए। और पता नहीं क्या लेने चले गया, बाहर चले गया था। तो ये ड्रेस तो आपको पता ही है, कल तो धुली नहीं गई, तो अब ये सीधे संडे को ही धुली जाएगी। तो बस यहाँ पे ये इसे तैयार कर दूँगी मैं, और उसके बाद इसके वो भी ओरल चल रहे हैं आजकल, तो उसकी भी तैयारी करवानी। तो सॉक्स भी ले आई हूँ हन्नू को। हन्नू तो हन्नू यहाँ पे रेडी, वैसे इतनी जल्दी नहीं करती थी मैं, बट आजकल जैसे ओरल की तैयारी करा रही हूँ ना, थोड़ा वो रिविज़न वगैरह भी चल रहे हैं, तो ये कर होता है कि पहले तैयार करके रख दो, फिर एक ही जितने देर तक पढ़ाना है पढ़ा लो। ये तो पहले नहीं, तो मैं थोड़ा लेट ही करती थी, झाड़ू वगैरह बहुत सारा काम मेरा हो जाता था। बट लेकिन ये आजकल, पहले तो बच्चों पर ध्यान देना ज़रूरी है ना। तो बस यहाँ पर इसे थोड़ा वो समझा लूँगी, क्योंकि बच्चे ना भूल ही जाते कितना भी समझा। तो बस यहाँ पर थोड़ा समझा रही थी, और आज मैंने इनका पर पहना हुआ है, जाते हुए थोड़ा ठंडा लगता है ना, तो इसलिए मैंने पहन लिया था। तो इसे तो मैंने दे दिया था लर्न करने के लिए समझा के, तो मैंने कहा झाड़ू तो लगा ही लेती हूँ मैं, तो बस झाड़ू लगा ली। फिर ये कि आके सीधे पोछा ही लगाना होता है और किचन की क्लीनिंग करो, बस इतना ही काम रहता है, फिर ज़्यादा काम नहीं रहता, क्योंकि बिस्तर वगैरह झाड़ के सब चीज़ करके झाड़ू लगा लूँ तो आने के बाद से काम कम रहता है। और इसके बाद चले जाऊँगी मैं हन्नू को स्कूल लेके। सो फ्रेंड, 11 बज गए हैं और दाल की सीटी आ गई, तो दाल रखी है मैंने, सारा काम हो गया। कपड़े तो आज धुलने हैं नहीं, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है। तो मैंने मेरे अभी ड्रेसिंग की क्लीनिंग करी थी, तो मुझे ब्लीच मिली वहाँ, तो मैंने कहा चलो ब्लीच करती हूँ। तो ये ब्लीच है, और फिर मैंने कहा ब्लीच करी हूँ, मेरे पास पैक भी रखा हुआ था बंद, तो पैक भी रखा हुआ था मेरे पास, तो पहले ब्लीच कर लूँगी, उसके बाद स्क्रब बर स्क्रब तो है नहीं, तो चावल काटा लिया इससे स्क्रब कर लूँगी। फिर उसके बाद मेरे पास ये पैक है, हिमालय का नीम फेस पैक, तो ये पैक कर लूँगी। उसके बाद जेल से मसाज कर लूँगी, और उसके बाद ये है सीरम, ये मुझे मतलब फेशियल कराया था ना, तो उस टाइम पे दिया था मुझे, मेरे पास सीरम था, तो उन्होंने कहा था क्या करना है इस किट के साथ है, तो उन्होंने मुझे दे दिया था, तो संभाल रखा है मैंने। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी स्किन केयर। कब से नहीं, मतलब करवा चौथ में शायद फेशियल कराया था, तब से कुछ नहीं किया है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने ब्लीच बना ली, ब्लीच लगा लूँगी। तो जब तक मेरी ब्लीच सूखेगी तब तक मैं बर्तन धुल लेती हूँ, मेरे नाश्ते के बर्तन हैं, क्योंकि ऐसे तो बैठा नहीं रहा जा सकता, तो तब तक मैं बर्तन धुल लेती हूँ अपने। तो सूख गया है लगभग लगभग, इसे साफ कर देती हूँ, आंखों में जलन हो गई। मुँह ही धुल के आ गई मैं, तो देखो इससे ही कितना साफ हो गया चेहरा ना, सिर्फ ब्लीच से बहुत फर्क पड़ जाता है ब्लीच से। ये कि जो ब्लीच से ना जो टैनिंग रहती है वो सारी निकल जाती है, टैनिंग वगैरह। तो अब करूँगी स्क्रब, इसके लिए जाना पड़ेगा बाहर। चलो
अब मैं जेल से मसाज करूँगी, एलोवेरा जेल है तो इससे मसाज कर। तो मसाज भी हो गई है, 2 मिनट तक करीब, मैं ज़्यादा नहीं, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, वैसे 5 मिनट तक करनी चाहिए कम से कम। तो अब मैं पैक लगा देती हूँ। तो खाली टाइम था तो मैंने कहा चलो स्वेटर बुनती हूँ मैं। स्वेटर मतलब वही जो मैं बना रही थी अपने, स्वेटर जो किसी का था वो तो मैंने दे दिया था। और फिर भी काफ़ी टाइम था तो मैंने थोड़ा सा बुना, क्योंकि मेरे को ना मतलब इस टाइम पे मन नहीं लगता है, क्योंकि जब काम रहता है तो मैंने कहा चलो खाना ही बना लेती हूँ, खाना बना के ये कि सूख जाएगा पैक। तो जैसे ही पैक सूखा, जो खाना बना लिया था तो पैक भी सूख गया था, जैसे देख लो। वैसे 80% सूखने देना चाहिए, इतना नहीं। तो सूख के फिर मैं धुलने चली गई थी मुँह। और कभी भी फेस धुलो फेस पैक में ना, तो पहले उसे गीला कर देना चाहिए, फिर गीला करके फिर उसे स्क्रबर की तरह ऐसे निकालना चाहिए। तो ये टिप्स थी मेरी, क्योंकि इससे नहीं तो वो झुर्रियाँ आ जाती हैं चेहरे पे ना। तो फाइनली हो गया है मेरा फेशियल, काइंड ऑफ फेशियल ही है। तो बताना आप लोग कि चेहरे पे ग्लो आया है या नहीं। मुझे तो लग रहा है, मुझे तो काफ़ी लग रहा है। मेरे ना यहाँ पे झाइयाँ हो गई हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पे यहाँ पे। तो मुझे तो काफ़ी फ़र्क लग रहा है, आप लोग भी बताना कि आप लोगों को लग रहा है कि नहीं। अब लास्ट में लगाऊँगी फेस सीरम, फेस वाइटनिंग फेशियल की। सो फ्रेंड, तो मेकअप करके मिल गई, मेकअप मतलब लिपस्टिक और सिंदूर लगा के मिल गई हूँ आपको, और बाल मैंने ऐसे ही कर दिए। तो कैसा रहा मेरा फेशियल और आप लोगों को कैसा लगा बता रहा। और मैंने ना खाना भी बना लिया है, मतलब वही पैक लगाया था तो भूनने लगी, फिर देखा मैंने टाइम तो 12:15 तो हो ही गए थे, अभी देखते हो तो 12:30 हो गए हैं। तो मैंने कहा चलो खाना बना देती हूँ। प्याज तो आसानी, तो दाल जीरे से ही छौंकती थी तो जल्दी छौंक जाती है ना, तो जीरे टमाटर से छौंकती थी। लोबिया की दाल बनाई है मैंने आज, तो मैंने कहा चलो वैसे वैसे दाल छौंक लेती हूँ। तो दाल छौंक ली तो फिर चावल भी चढ़ा लिए, तो बस खाना भी बन गया है। और अभी 12:30 भी टाइम काफ़ी है, मैंने बहुत जल्दी बना लिया, टाइम काफ़ी। तो ये बुनना है, ये मैंने स्लीव लगा ली जो मैं स्वेटर बता रही थी ना, अभी पल्ले नहीं हुए हैं मेरे आगे पीछे के, बट मैंने कहा पहले आस्तीन बुन लेती हूँ तो ये रहेगा, कि फिर ये रहेगा कि चलो ये हो गया, अब थोड़ा ही रह रखा, थोड़ा ही रहे तो मेरे आस्तीन जल्दी बुन जाती है ना आस्तीन, तो इसलिए मैंने ये लगा लिया है और आस्तीन बुन ली। अब वैसे अब गर्मियों में बुना नहीं जाता है, तो देखते हो इस महीने तक बुना जाएगा, जो भी बुना जाएगा आस्तीन तो कम्प्लीट हो जाएगा कम से कम, तो जैसा भी होगा देखते। तो बताना आपको लोगों को मेरा फ़र्क लगा चेहरे पे कि नहीं लगा। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड करूँगी, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा तो वीडियो का भी एंड करूँगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।